उत्तर प्रदेश में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखनऊ के राजभवन प्रांगण में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में शामिल हुए और योग किया। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी योग अभ्यास में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी पूरे देश दुनिया के साथ योग दिवस जोर शोर से मनाया गया। लोगों को स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास का संदेश दिया जा रहा है। वहीं स्वस्थ तन और मन से ही देश और समाज के विकास में पूरी ताकत के साथ लोग लग सकते हैं। योग हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में आयोजित सामूहिक योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान दोनों नेता कई प्रकार के योगासन करते दिखाई दिए। वहीं प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योग किया। जानकारी के मुताबिक भारत स्काउट ग्राउंड पर योग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में रेजिडेंसी में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी शामिल हुए और योग अभ्यास किया। इस दौरान बृजेश पाठक के साथ सांसद संजय सेठ और राजधानी के जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उधर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन में आयोजित सामूहिक योग दिवस कार्यक्रम में कई प्रकार के योगासन करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने श्रीनगर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगाभ्यास कार्यक्रम के दौरान उनकी बातों को भी सुना। उसके बाद खुद सीएम योगी ने जनता को संबोधित भी किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाए, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाए। देखें कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वो आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और फिर राजभवन गीत का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को तुलसी का पौधा देकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रांगण में बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकों और प्रशिक्षक गणों ने पूरे उत्साह से सामूहिक योगाभ्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।